आज देखिए परिनीति में पहली बार परी खोलेगी नीति की असलियत। सो गाइस, प्यार ऐसा ही होता है। जैसा प्यार राजीव को परी से हुआ, जैसा प्यार राजीव को नीति से हुआ, और अब जैसा प्यार राजीव को नीति से नहीं है, अब परी से होने जा रहा है। और परी को तो राजीव से है ही प्यार। आप जरा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि सीरियल परिनीति में कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर राजीव को नीति से प्यार था, और राजीव को नीति से प्यार होने के बाद परी को तो था ही राजीव से प्यार। और अब ये जो प्यार है वो इधर उधर डोलता हुआ फिर रहा है, यानी कि राजीव परी के साथ अब सच्चे प्यार की कसमें खा रहा है। वो नहीं चाहती कि हमारी शादी हो, उसने मुझसे कहा कि मैं ये शादी के लिए मना कर दूं। चलो मेरे साथ। राजीव परी से कहता है कि मैं डर गया तो मुझे पल भर के लिए कमरे में नहीं दिखी। तो यहाँ पर परी कहती है मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो राजीव भी ये प्रॉमिस लेता है और उससे यही प्रॉमिस करता है। लेकिन क्या फायदा इस प्रॉमिस का, यही प्रॉमिस तुमने नीति के साथ भी किया था। खैर, आने वाले एपिसोड में आप कलर्स चैनल के सीरियल परिनीति में देखने वाले हैं कि राजीव और परी एक दूसरे से शादी करने के लिए मंदिर पहुंच चुके हैं। अब ये दोनों मंदिर पहुंच गए हैं तो नीति के भी मन में एक ऐसा आ गया है कि यार अब तो शादी हो जाएगी, मुझे तो ये शादी रोकनी ही होगी। अब क्या होगा संजू का अगला बड़ा कदम? लेकिन जब नीति मंदिर पहुंचती है तो उसे सुनाई देता है, यानी कि वो दूर खड़ी है परिवार से, मंदिर से दूर खड़ी है, लेकिन उसे सुनाई देता है कि भाई राजीव और परी की शादी होगी, लेकिन जो दुल्हन है उसे घूंघट में फेरे लेने होंगे। अब इसी घूंघट का फायदा नीति उठाएगी, रिप्लेस कर देगी परी को, ले लेगी उसकी जगह। अब ऐसा हो पाएगा या नहीं, या फिर एक ये चाल जो है नीति की ये नाकामयाब हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ये भी पता चलेगा कि राजीव के हिस्से में परी आनी है या नीति, किसका प्यार सच्चा है। देवी माँ के सामने कुछ ना कुछ ऐसा होगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।